हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के कार लाल छोड़ में एक बारी फिर से। तो दोस्तों आज हम आपको इतनी प्यारी चीज़ बताऊंगा अल्टो के अंदर। ये अल्टो है और ये ज़्यादा खास पुरानी नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये है 2014 या 15 मॉडल है। इन्होंने स्टेयरिंग करीबन 2 साल पहले नहीं डलाई थी। अब इसमें दोबारा स्टेयरिंग में आवाज़ आ गई, यानी वहाँ पर है ना, यानी जैसे अपन देखो ये स्टेयरिंग को यूँ यूँ हिलाता हूँ ना, तो देखो शायद आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों, लेकिन जैसे मैं स्टेयरिंग को देखो यूँ यूँ हिला रहा हूँ ना, तो वहाँ पर है ना आवाज़ आ रही है कट 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 कट, यानी अब पता नहीं आपको आवाज़ आई या नहीं आई, लेकिन एक आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ क्या होता है दोस्तों, जब अपन थोड़ा यानी ख़राब रोड पर चलते हैं 2-3 दशकों में, तो ये आवाज़ इतनी ख़तरनाक आती है, मतलब काफ़ी ऐसी आती है जैसे पूरा सस्पेंशन ही ख़त्म हो गया हो, इस तरीके की आवाज़ आई कट 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 कट, यानी 3 दशकों में चलते हैं जब गड़गड़ गड़गड़ गड़ यानी यूँ आवाज़ कर जाती है। अब इसके लिए जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो ये घर पे ही सॉल्यूशन है, आप खुद कर सकते हैं आराम से। ये क्या होता है, जैसे नई गाड़ी अपनी जैसे ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसमें तो क्या कैलिपर वैलिपर सब आवाज़ कर जाते हैं, लेकिन जैसे कि मान लीजिए स्टेयरिंग इन्होंने 2 साल यानी 2 साल पहले ही नहीं डलवाई थी कस्टमर ने, अब इनको ये दोबारा कंपनी गए तो इनसे यूँ बोला भाई इसके शॉकर डलेंगे, स्टेयरिंग डलेगी और इसके आराम और कैलिपर डलेंगे, मतलब यानी पूरा सस्पेंशन का सामान डाल देंगे और आवाज़ साइलेंट कर देंगे, कंपनी वालों ने बोला इनको ऐसा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ देखो इस आवाज़ को साइलेंट करने का तरीका। अब मेरे पास जब ग्राहक आया ना, तो मैंने इनसे इन्होंने मेरे को बताया भाई दशकों में चला के दिखाई, इन्होंने बोला ये आवाज़ को साइलेंट करनी है, क्या खर्चा बैठेगा। तो मैंने इनको यूँ बोला, मैंने कि 100 रुपये मेरी मजदूरी सिर्फ। अब ये यूँ बोल रहे यार सिर्फ 100 रुपये, उनको कंपनी ने तो करीबन हमको 18,000 का बताया था एस्टिमेट, यानी उन्होंने बताया था 18,000 के समथिंग। अब मैंने इनसे बोला 100 रुपये का खर्चा है, तो इन्होंने बोला ठीक है आप करो 100 की जगह हम आपको 500 दे के जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी 100 रुपये मजदूरी है, आप वही दे के जाएँ। देखो मैं अभी और आप लोगों को भी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में हो तो सबसे पहले ये करके देखना है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो क्या करना है, काफ़ी बेहतरीन नॉलेज है, आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। चलो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं बता देता हूँ, देखो पहले आपको जेक लगाना हो, गाड़ी को ऊँची कर लेनी है। ये क्या है दोस्तों, इतनी बढ़िया ट्रिक है और काफ़ी ईजी है, ये कोई भी मैकेनिक आप लोगों को क्या बताएगा नहीं उसको क्या, यानी कि मैं बता देता हूँ आपको, देखो वो क्या करेगा यानी मैकेनिक, उसके नुकसान क्या है। उसके पहली बात तो ये नुकसान है कि अगर उसके पास में पार्ट्स वगैरह होगा ना तो वो नहीं बिकेगा उसका। देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल फॉलो करना है, आप खुद घर पर देखो ये पेच के घुसा के देखो, मैं ना इसको निकाल रहा हूँ पहले, देखो ये इसका रबड़ का वो है ना, ये पहले ये निकाल लिया मैंने, एक रबड़ का एक कवर लगा रहता है। अब देखिए दोस्तों ये ना, ये जो प्लास्टिक का नट है इसको आपको क्या करना है, ऐसा है ना 17 नंबर टूल पाना लेना है, ऐसा देखो ये फिक्स पाना है। अब इसको इसमें लगाना है, ये लगा दिया है ना। अब देखो ये कितना लूज है, ये देखो बिल्कुल मामूली सा वो पड़ा है। अब इसको हल्का सा टाइट किया मैंने, ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये देखो जहाँ पे मेरे को हल्का सा टाइट होना महसूस होने लग गया ना, ये देखो वहीं पर छोड़ दिया मैंने इसको, ये एक सेकेंड बस भाई, ये मेरे को यहाँ पर टाइट फील हो गया, ये मैंने छोड़ दिया और ये लगा दिया, ये रबड़ भी लगा दिया फिर से। ये देखिए अब इसकी स्टीयरिंग की आवाज़ हो चुकी बिल्कुल ख़त्म। तो दोस्तों मैं एक सेकेंड आप लोगों को देखो दिखा देता हूँ, अब देखो ये देखो बिल्कुल 0 दोस्तों, यानी कि और स्टेयरिंग भी है ना देखो हल्की सी, यानी थोड़ी सही हो गई, यानी कि अब पहले बिल्कुल इतनी हो रही थी ये बिल्कुल ऐसी। अब इससे क्या होएगा दोस्तों, आपके है ना स्टेयरिंग देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हल्की सी मामूली सी टाइट फील होएगी हल्की सी, लेकिन क्या ये पावर गाड़ी है तो इसमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी सादा गाड़ी है ना तो उसमें हल्की सी टाइट फील होगी खड़ी गाड़ी में, चलती गाड़ी में नहीं, चलने के बाद में स्टेयरिंग फ्री हो जाती, लेकिन इससे क्या होगा आपकी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी दोस्तों, अब आपकी गाड़ी में बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। अब 2 चम्मच में चला के देखो, अब ये देखो मैं इसको हिला रहा हूँ खूब, देखो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ये देखो खूब जोर जोर से हिला लो, ये देखो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। और पहले क्या हो रहा था, यूँ हिलाने पर गट कट 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 इस टाइप की आवाज़ आ रही थी इसमें, अब वो क्या होता है जैसे 10 के में चलते हैं ना, तो जैसे टायरों का लोड पड़ता है ना 10 को में, इधर इधर टायरों पर प्रेशर पड़ता है यानी मूव करते हैं, तो वो आवाज़ काफ़ी तेज़ आती है। अब ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक से मान के चलो आप आपकी स्टेयरिंग डलने से बचा सकते हैं। ये क्या मैकेनिक बताते नहीं, मैकेनिकों का मोटा पैसा कमाई होती है उसमें,
इसलिए वो बताते नहीं है ये चीज़ें। पर मैं अपने चैनल पर हर एक छोटी छोटी जो प्रॉफिट है, जो पब्लिक का प्रॉफिट है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैकेनिकल इसीलिए बोलता हूँ, मैं छोटा प्रोसेस हमेशा इसीलिए चेक करने के लिए बोलता हूँ दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, और ये जो तरीका है ना दोस्तों, आप घर पे करके देखना कभी, आपको मैं बोल रहा हूँ इतना बढ़िया फ़ायदा होगा, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया ना, इतना यानी कि आप लोगों का इतना फ़ायदा होगा इससे, यानी कि आप लोगों को काफ़ी पैसे बच सकते हैं। यानी कई लोगों का तो ये होता है, जैसे कंपनी में जाते हैं तो पूरा ही सामान चेंज कर देते हैं। देखो पूरा सामान चेंज करेंगे तो भी आवाज़ अलर्ट होगी, और अगर अपन एक ये छोटी सी तरीका जो ये टेक्निक मैंने बताई है ना, अगर आप ये घर पे करके देख लें ना, आपको पूरे पैसे बच जाएंगे। मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों आप लोगों की। अगर स्टेरिंग में इस तरीके की कोई आवाज़ आती है स्टेरिंग हिलाने पर, तो समझ जाओ कि उसकी रेक बूस है ना वो लूज हो चुकी है, अपन को उसको टाइट करना है हल्की सी बस। रेक बूस लूज होने की वजह से जो स्टेरिंग की राड होती है ना वो वाइब्रेट करती है, और उससे वॉइस पैदा होता है। अब अगर अपन उसको टाइट कर देंगे ना दोबारा हल्की सी दो चूड़ी, तो वापस ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक की आती है रेक बूस में, आपको बता दूँ स्टेरिंग के अंदर। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, और ये नॉलेज मैंने इसलिए आपको बताऊं ताकि आप लोग फालतू चीज़ों से बचे रहे, फ्रॉड मैकेनिकों से बचे रहे। तो आप खुद घर पर ट्राई करके देखने के बाद दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बेहतरीन होगी जो आपके फ़ायदे की होगी, मैकेनिकल होगी, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, क्योंकि मैं आगे भी मेरे चैनल पर ऐसी ही पब्लिक प्रॉफिट की मैकेनिकल वीडियो हमेशा टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ, जिससे पब्लिक को फ़ायदा होता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी, और कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी। और अगर आपको कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपने नंबर दूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा किस तरीके से क्या कराना है, जिससे आपको फालतू चार्ज ना लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।